और ये सभी 30 वर्ष पुराने पत्थर हैं। और इसको सीधे तौर पर इसी खांचे से फिट कर देना है। राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्यों में हो रही देरी एवं श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्याएं एवं सबसे नए निर्माण कार्यों के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। आज का दिन मंगलवार यानी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का दिन है और प्रभु श्री रामलला के गर्भगृह परिसर में हनुमान जी की भव्य मूर्ति लगी है, जहां पर नित्य आरती उनकी भी की जाती है और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के लिए एक ही चौपाई है कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के समान इस संसार में कोई भी बलशाली नहीं है और प्रभु श्री राम के दूत के रूप में हनुमान जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जन जन के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्य चैनल में प्रभु श्री राम की दिव्यतम आत्मा का वास है और जहाँ दिव्यतम आत्मा का वास होता है वहाँ परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर के सुदूर उत्तरी परिक्षेत्र के परकोटा निर्माण कार्यों का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है और यह अति दुर्लभ वीडियो है, क्योंकि राम मंदिर में सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो उपलब्ध कराना आसान नहीं है। और आप यहां देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में बड़े पैमाने पर तराशे हुए पत्थर लाए जा चुके हैं और राम मंदिर परिसर में बिल्कुल किनारे यानी पहले कोने पर मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यानी परकोटे के पहले मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह लगभग 50% तक पूर्ण हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं कि परकोटा के नीचे बन रही सुरंग का यह सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो है और आप यहां देख सकते हैं कि पहले फेज में परकोटा की सुरंग को पूर्वी छोर पर निर्मित कर लिया गया है। अब इसके उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर सुरंग निर्माण कार्यों में पर्याप्त तेजी लाई जा रही है और यदि इसके संपूर्ण निर्माण की प्रगति की बात करें तो लगभग 40-45% तक सुरंग निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसी सुरंग से तीर्थयात्री रामलला के संपूर्ण मंदिर की परिक्रमा कर पाएंगे और यह परिसर से बाहर निकलने के लिए भी मुख्यतम मार्ग होगा। और अभी वर्तमान में सुरंग निर्माण की प्रक्रिया में लाइटिंग व्यवस्था का कार्य चल रहा है और यहां पर पिलर लगभग लगाए जा चुके हैं और इसको पूरी तरीके से नवीनोदी बनाए रखने के लिए
विशेष तौर पर वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर की आयु हजारों वर्षों तक मानी गई है। अतः इस पर गहन रिसर्च भी की जा रही है और इसके लिए रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ पर पत्थरों की गहन जांच करके ही यहाँ पर सुरंग के पत्थरों को लगाया गया है, ताकि यह वर्षों तक बिल्कुल अपनी अवस्था में बने रहें और हजारों वर्षों तक इन पर बाढ़ आदि का भी कोई भी असर ना हो। और श्रीराम जन्मभूमि का जो इतिहास रहा है उसका प्रतीक है ये श्रीराम जन्मभूमि कार्यशाला, और ये सभी पत्थर परकोटा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सभी पत्थर परकोटा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे। अब ये सोच सकते हैं कि ये पिलर की ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट है और इनको कई खंडों में जोड़ करके एक पूरा 20 फीट का पिलर तैयार किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, और ये सभी 30 वर्ष पुराने पत्थर हैं। ये तो नए पत्थर हैं, लेकिन इसके पीछे जो हैं सभी 30 वर्ष पुराने पत्थर हैं, जिनका लंबे समय से तराशी एवं नक्काशी चल रही है। और 2025 के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण होना है, और इसमें लगभग 6 से 7 फीट से ऊपर लंबा पत्थर है और इसको लगभग 2 से 3 खंडों में जोड़ा जाना है। आप देखिए कितना खूबसूरत और देवीतम लग रहा है ये, और इसको सीधे तौर पर इसी खांचे से फिट कर देना है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि यह परकोटा के पहले मंदिर के निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है, और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर दीवारें बनाई जा चुकी हैं और अब शिखर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और उम्मीद है कि 3 से 4 महीनों में पहले मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर के परकोटा में कुल 6 मंदिर बनाए जाने हैं, जिसमें 4 मंदिर तो चारों कोनों पर निर्मित किए जाएंगे एवं 2 मंदिर जो कि प्रवेश द्वार का कार्य करेंगे, क्योंकि राम मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार बनने हैं और जिसमें अभी तक केवल 1 प्रवेश द्वार ही निर्मित हो पाया है, और मार्गों के लिए भूमि की उपलब्धता न होने की वजह से 3 मार्गों को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रवेश द्वार तो मंदिर निर्मित कर लेगा लेकिन उसके लिए मार्ग के निर्माण की व्यवस्था अत्यंत कठिन है। इसमें भूमि अधिग्रहण में अत्यंत समस्या आ सकती है। राम मंदिर निर्माण कार्यों पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि राम मंदिर के निर्माण की गति को लेकर के कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, और जिसमें यह भी बताया गया है कि जो लक्ष्य तय किए गए हैं यानी दिसंबर 2024 तक जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसमें लगभग 3 से 4 महीने का विलम्ब हो सकता है, और निर्माण समिति के अध्यक्ष ने इसे 1 महीने का ही माना है, लेकिन यह विलम्ब काफ़ी अधिक बढ़ सकता है क्योंकि दीपोत्सव के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों को अवकाश दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिक दोबारा काम पर वापस नहीं लौटे और इस कारण से निर्माण कार्यों में देरी हो रही है, और LNT द्वारा इस पर चिंता जताई गई है। श्रीराम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र जी ने निर्माण कार्यों की गति पर कुछ चिंताएं जताई हैं, जिसे आप सुन सकते हैं। पूरे मंदिर का निर्माण जिसका लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2024 तक, और जिसमें लगभग हम 1 माह पीछे चल रहे हैं, परकोटा, सप्त मंदिर, शेषावतार मंदिर, इन सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा बहुत ही गहन ढंग से की जानी है। वर्तमान में राम जन्मभूमि परिसर में 1600 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के स्तंभों पर मूर्तियों की आइकनोग्राफी के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, और मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आइकोनोग्राफी के कलाकार राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद थे, और जिन्होंने दिन रात काम करके राम मंदिर के आंतरिक परिसर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कई निर्माण कार्य पूर्ण किए थे, लेकिन अभी भी पिलर्स पर अधिकांश मूर्तियाँ हैं जिनके निर्माण कार्य अभी भी परिसर में जारी हैं। और आज राम मंदिर दर्शन के दौरान मैंने यह देखा कि राम जन्मभूमि के आंतरिक परिसर में कई जगह मूर्तियों के निर्माण कार्य चल रहे थे, और दर्शन के साथ
निर्माण कार्यों का करना अत्यंत कठिनतम कार्य है और इसके लिए श्रमिकों की संख्या भी काफी अधिक सीमित है। राम मंदिर निर्माण कार्यों को फिर से तेज करने के उद्देश्य से यहाँ पर श्रमिकों की संख्या अब शीघ्रतया बढ़ाई जाएगी और इसके लिए राम मंदिर निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्था लासन एंड टूब्रो श्रमिकों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों से संपर्क साधेगी और बहुत से श्रमिक जो छुट्टियों पर गए हैं उनकी प्रतीक्षा की जा रही है और सोमवार से श्रमिकों का आना जारी हो जाएगा। और कार्यदायी संस्था के अभियंता का कहना है कि मंदिर निर्माण में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होने से काफ़ी अधिक अड़चन आ रही है, लेकिन इसे शीघ्र ही समाप्त कर लिया जाएगा और लगभग 70 एकड़ में राम जन्मभूमि परिसर में 6 देवी देवताओं सप्तऋषि मंदिरों के साथ साथ राम मंदिर के मुख्य शिखर पर परकोटे का निर्माण कार्य चल रहा है। मित्रों, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं एवं नए निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।